मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। एक डबल डेकर बस पलटकर 20 फीट खाई में गिरी है। ये बस सीतापुर से हरियाणा के पानीपत जा रही थी और उसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल रामपुर और मुरादाबाद के जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। क्षेत्र में हाईवे पे एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये डबल डेकर बस थी जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हरियाणा में पानीपत में जा रही थी। इस बस में 90 से 100 लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो 19 है। इसमें सभी का उपचार चल रहा है, सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है, किसी की भी गंभीर हालत नहीं है। इसमें जांच की जा रही है जो भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस रामपुर से आगे निकलकर मूढ़ा पांडे क्षेत्र में पहुंची थी कि इसी दौरान अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और बस सड़क किनारे लगी क्रेश गार्ड को तोड़कर पलटी है। हादसे के बाद से बस ड्राइवर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और घायलों का इलाज जारी है। Desk.